मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता डाता हूँ गीत नया गाता गीत। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। एक नहीं, दो नहीं, करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हेतु अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। उनका पहला कार्यकाल बहुत प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन अन्य दो कार्यकाल ने कई पहलुओं में भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1998 से 2004 के बीच 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की कहानी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। आइए जानते हैं अटल जी के वह बड़े फैसले जिससे बदल गई देश की किस्मत। संचार क्रांति। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पदभार संभाला था, तब भारत का दूरसंचार क्षेत्र स्थिर था और इसमें कोई प्रगति नहीं हुई थी। हालांकि पहला मोबाइल फोन कॉल 1995 में किया गया था, उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं हुआ। वाजपेयी ने नई दूरसंचार नीति लाई और इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया। कनेक्टिंग इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए एक राजमार्ग नेटवर्क की परिकल्पना की थी। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना थी। यह परियोजना एक शहरी केंद्र कनेक्शन कार्यक्रम की तरह थी, लेकिन यह वास्तव में ग्रामीण भारत को शहरी भारत तक पहुंच प्रदान करने की नीति थी। समृद्ध और स्वस्थ सरकार। भारत सरकार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का पहला गंभीर प्रयास 1991 में किया गया था, जब राष्ट्र सुरक्षा के संबंधित लोगों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों के लिए दरवाजे खोले गए थे। लेकिन जब तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब तक सरकार जनता की आर्थिक भलाई और नौकरी देने वाली सबसे बड़ी गारंटर थी। वाजपेयी ने मिशन के रूप में विनिवेश का काम किया। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अलग मंत्रालय रखने वाली उनकी एकमात्र सरकार थी। परमाणु भारत। इंदिरा गांधी सरकार ने 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन राजीव गांधी के परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर देने के बाद भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम को नजरअंदाज कर दिया। इस बीच चीन अपनी परमाणु शक्तियां और परमाणु तकनीक को अगले स्तर तक ले गए। भारत स्पष्ट रूप से पिछड़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मई में 5 परमाणु विस्फोटों के साथ 1998 में पोखरण का पुनः निरीक्षण किया। शिक्षा सभी के लिए। आजादी के बाद दशकों तक केंद्र की सरकारें स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने और ड्रॉपआउट दरों की जांच करने का एक तरीका खोजने में विफल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सर्व शिक्षा अभियान नाम की एक साधारण सी योजना लेकर आई और सार्वभौमिक शिक्षा के लिए अभियान चलाया।